मजबूरी। पारो सिर उतला कड़ा थले रख दी होई, पति देव वल वदी बाह पकड़ी, नबज बहुत तेज चल रही सी। हुण ता डॉक्टर दी दित्ती होई दवाई भी खत्म हो चुकी सी। उसनू अपना ते बच्चियां दा भविख धुंधला धुंधला विखाई देन लगा, क्योंकि रोजी कमाउण दा इको इक साधन उसदा पति ही सी, जो कि मंजे ते पिया मौत नाल संघर्ष कर रहा सी। जो चार पैसे जोड़े होए सन सब डॉक्टर दे घर जा चुके सन, ते हुण दवाई जोगे भी पैसे नहीं सन। उसदी सोचां दी लड़ी उदों टुट्टी जदों उसदे पति नू जोरां दी उल्टी आई, ते नाल ही खून भी। एने चिर नू वड्डा मुंडा भीरा बाहरों खेडदा घर आया। प्यो दी एह हालत वेख के उसने मां नू पुछया, मां पापा जी अजे ठीक नहीं होए? डॉक्टर तां कहिंदा सी बई तेरे पापा जी नू होर दवाई देण नाल आराम आ जावेगा। मां की तू होर दवाई नहीं लियाई? मां तू बोलदी क्यों नहीं? बच्चे दी इस तरसयोग हालत नू वेख के मां दियां आंदरां दा रुग भर आया। उसने बच्चे नू छाती नाल लौंदियां भरे गले नाल कहा, तेरे पापा जी छेती ही ठीक हो जाणगे, मैं हुणे होर दवाई लियांदी हाँ। कहण नू तां पारो कह गई, पर हुण दवाई लई पैसे कित्थों लियावे? पर हुण उसदे पैर उस राह जा रहे सन जो कि टहले नंबरदार दे खेत विच बने होए कोठे वल जांदा सी। हाँ जी दोस्तों, इस कहानी तो सानू ये पता लगता है कि मजबूरी इंसान तो की कुछ करवा जाती है, उसनू गलत राहे पा दिंदी है। इसलिए सानू कदे भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं चुकना चाहिदा है, उसकी मदद करनी चाहिदी है अगे होके। सो जे तुहानू साडी इह कहानी वधिया लगी तां चैनल नू सबसक्राइब कर दिओ जी, शेयर कर दिओ, इसी तरह सपोर्ट करते रहो, ताडे लई होर नवीं कहानियां लैके आवांगे।